छह समन्स आ चुके हैं हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन जो है छह समन्स के बाद भी लॉ एंड ऑर्डर का तो यहाँ बुरा हाल है। आप देखिए किस तरह के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। यहाँ पर आए दिन बलात्कार होता है, यहाँ पर दिन दहाड़े मर्डर होता है। लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल खत्म हो गया, और साथ साथ जो चीफ मिनिस्टर कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, ये तो खुद ही भगोड़ा करप्ट चीफ मिनिस्टर है जिसको ईडी बुलाती है। छह बार बुला चुकी है, छह बार उन्होंने वो अपेयर नहीं हुए। इससे समझ में आता है कि उन्होंने जो करप्शन किए हैं उसके जवाब देने के लिए उनके पास कोई अल्फाज नहीं है जिसके बारे में वो जवाब दे सके। वो जानते हैं कि इनके पास जो दस्तावेज दिखाए जाएंगे, चाहे लैंड के बारे में जो करप्शन किया, लाखों करोड़ों का करप्शन किया है, या फिर आपने जो माइन से रिलेटेड करप्शन किया है, जो कोयला से रिलेटेड करप्शन किया है, चाहे आप बालू से रिलेटेड करप्शन किया, जितने तरह के करप्शन किए सबका प्रूफ है। और जब प्रूफ दिखाया जाएगा हेमंत सोरेन को और उनके कुछ अधिकारियों को, तो उनके पास फेस करने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इसलिए वो भाग रहे हैं। ये भगोड़ा चीफ मिनिस्टर है, लेकिन कब तक भागेंगे? सरकार के हाथ लंबे होते हैं, और जब आप करप्ट किए हैं और आपका पूरा हाथ नहीं, पूरा शरीर जो है करप्शन में लिप्त है, आप एक दिन एक दिन सलाखों के पीछे अपने आप को पाएंगे ही। देखिए, किसी भी सरकार को जो की चिंता वहाँ की जनता होनी चाहिए, वहाँ के नौजवान होने चाहिए, वहाँ के महिलाएं होने चाहिए, वहाँ के बुजुर्गों होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो ना संविधान का चिंता है, ना संवैधानिक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी चिंता है, और ना तो जनता की चिंता है। ये तो सिर्फ परिवार की चिंता है। तो ऐसे परिवारवाद वाले लोग और जो करप्ट लोग हैं उनको जनता सही रास्ता दिखाएगी आने वाले दिनों में। लेकिन जो अधिकारी उनके साथ खड़े हैं और इस पूरे चीज़ के लिए आर्किटेक्ट बने हैं, उनको भी जो है कानूनन कार्रवाई उन पर भी होगी। और जो उनके साथी, कुछ लोग ऑलरेडी जेल में हैं, कुछ साथी ज़रूर उनके जो आने वाले दिनों में अपने आप को जेल के हवालात के पीछे ही पाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री जो भाग रहे हैं, ईडी में अपेयर नहीं हो रहे हैं, ये सोचते हुए कि ईडी से अपेयर नहीं होने से उनका काम चल जाएगा, तो ये उनको उनकी मुझे लगता है कि नासमझी है। ईडी और एजेंसीज अपना काम करेगी, और आने वाले दिनों में आपको इस पूरे जो इनके काले कुकर्मी कार्रवाई उन्होंने जो काम किए हैं उसका ब्यौरा लेके एजेंसीज अपने सामने उनके सामने खड़े रहेगी। लेकिन इनको फेस करने में जो तकलीफ आ रही है, इसलिए कि उन्होंने इतना करप्शन किया है कि आज उसके लिए जवाब देने के लिए उनके पास कोई वर्ड नहीं है, कोई शब्द नहीं कि कैसे जवाब दें, इसलिए वो भागे भागे चल रहे हैं। लेकिन वो भागते नहीं, बहुत दिन तक भाग नहीं पाएंगे। जल्दी ऐसा होगा कि उनको एडी के ऑफिस में आके जवाब देना ही पड़ेगा। तो बस ये बातें आपके सामने रखना चाहता था, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप, मैं उस सवाल को लेना चाहता हूँ। ईडी के संबंध को भी वो चुनौती देते हैं, कहते हैं हम दोषी हैं नहीं, हम पर क्यों जबरन बार बार भेजा जाता है। 500 करोड़ निकला था, इसी प्रदेश से जा रहा था ना, यही के नेता थे। मैंने कहा ना, करप्शन सेल के मुखिया हूँ, और अगर नहीं है आपको डर, आपके आपने कुछ काम नहीं किए हैं, तो ईडी ऑफिस जाके उन दस्तावेजों जो आपको दिखाए जाएंगे उसका सामना कीजिए। उनके पास देखिए, ईडी कभी भी कोई भी एजेंसी हो और किसी की भी सरकार हो, अगर कोई जाती है तो कोई इसके पास कोई ना कोई एविडेंस होता है। उस एविडेंस से बेसिस पे ही, उस लीड्स के बेसिस पे ही जो है सरकार जो एजेंसीज काम करती है। एजेंसीज अपना काम कर रही है, आप चाहिए उस आप एजेंसीज को जवाब दीजिए। आप भाग क्यों रहे हैं? इसलिए कि पता है आपके आपको कि आपने जो लाखों करोड़ का जो घोटाला किया है वो आप कैसे छुपाएंगे? अब तो सब उजागर हो चुका है। अब तो सिर्फ इस स्टेज पे आ गया है कि आप पे केस होना है और आपको सलाखों के पीछे आपको भेजने का काम होना चाहिए। देखिए, सब लोग, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे कोई और भी लीडर हो, सबको अपीयर होना ही पड़ेगा, और अपीयर होते भी हैं। ऐसा नहीं कि अगर एक बार नहीं अपीयर हुए तो बार बार नहीं अपीयर हुए हैं। आप केजरीवाल जी के 3-4 साथी अभी कहाँ हैं?
आपको तो पता ही होगा, शराब घोटाला जिस तरह से उन्होंने किया है, उसके मुखिया जो है केजरीवाल है, और केजरीवाल को जेल जाना ही पड़ेगा कितना भी भाग ले, इसलिए कि उन्होंने जिस तरह से घोटाला किया है, उनके अपने जो 4-5 मिनिस्टर अभी जेल के अंदर है, और कोई भी राहत उनको बेल कोर्ट से नहीं मिल रहा है, कभी बेल नहीं मिल रहा है, इसलिए कि उनके पास इतने पुख्ते सबूत है कि उन्होंने जो घोटाला किया है। आज वो भागते रहेंगे, लेकिन भाग के कहाँ जाएंगे, आखिरकार तो उनको अपीयर होना ही पड़ेगा। देखिए, डराने की कोशिश नहीं, मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है, उसका मान मर्यादा भी एजेंसीज रखती है, लेकिन एक हद के बाद जाहिर एजेंसीज अपना काम करती है, जब वो हद पार हो जाएंगे तो काम करेगी। जैसे मैंने कहा कि हेमंत सोरेन जिस तरह से करप्शन किया है उन्होंने, उनके पास जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं है, इसलिए भागे भागे चल रहे हैं, लेकिन एजेंसीज को अपना काम करना है, एजेंसी अपना काम करेगी, और किसी को डराने के लिए नहीं। ये 500 करोड़ यहीं से निकले हैं, इतना बड़ा करप्शन पूरे देश में कभी आज तक किस तरह का पैसा नहीं पकड़ा गया, और ये तो एक साहू है, यहाँ तो अधिकारी से लेके मुखिया सभी पूरे तौर से उनका हाथ जो है पूरे तौर से करप्शन में इन्वॉल्व है, तो वो ये खुद जानते हैं, इसलिए इनको समझ में आ रहा है, और जो इनके अधिकारी गए तो उनको बेल भी नहीं मिल पा रहा है, क्यों नहीं मिल पा रहा है ये भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगेंस्ट संगीन चार्ज है और सब प्रूफ है। दूसरी बात, इन्होंने डर से हटा दिया चीफ सेक्रेटरी को, सुनने मारा डीजीपी को भी हटा रहे हैं, ठीक है इनका अब ये है, लेकिन ये सिर्फ ये इस डर से हटा रहे हैं कि कहीं गिरफ्तारी में इनको कोई, इनकी जब गिरफ्तारी हो तो उसमें कभी मतलब अपना आदमी बैठा हो तो ज्यादा ही है, लेकिन देखिए चाहे कोई भी अपने पद पे बैठा हो बियॉन्ड ए पॉइंट उनको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, ये अधिकारियों को भी समझना चाहिए। मुख्यमंत्री का कहना है कि जब हम 136,000 करोड़ रुपए की बकाया राशि की मांग करते हैं तो हमारे पीछे जांच एजेंसियां लगा दी जाती हैं। देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि आपसे और आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भी ये कह रहा हूँ कि आप अगर आपके पास हिम्मत है, जैसे बाकी लोग ईडी के पास अपेयर होते हैं, अपनी बात उनके सवाल के जवाब देते हैं, आप में हिम्मत है तो आप ईडी के पास जाइए, जवाब दीजिए। ये प्रेस में कहने से कि हम भाग रहे हैं, हम इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वो इधर उधर की बात करने से अच्छा है कि आप वहां जाइए अपेयर होइए, वो जो आपको दस्तावेज दिखाएंगे, आपने नाम बदल बदल के कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी लिए लाखों करोड़ के, भाई एजेंसीज के पास बहुत बहुत इंफॉर्मेशन है और पब्लिक डोमेन में भी बहुत इंफॉर्मेशन है, और इनको आप लोगों को भी पता है कि यहाँ करप्शन कितना हो रहा है, इसलिए हेमंत सोरेन जी को इन सब बातों से हट के एजेंसीज के समन पे अटेंड करना चाहिए, ना कि इस तरह के भटकाने वाली और गुमराह करने वाली बात होनी चाहिए। जितना भी गुमराह करे एजेंसीज अपना काम करेगी, और एक दिन इस सारे जो कितने भी करप्शन किए हैं उसका उनको जवाब देना ही पड़ेगा।